गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ले चलो पर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ एडेनिन की सीडलिंग जिनको मैं रिपॉट करूंगा एक नए इनके पॉली बैग में। तो इनको मैंने ग्रो नहीं किया था, मतलब एक अपने आप नेचुरली ग्रो हो गए हैं। जैसे कि मेरे यहाँ सीड्स पॉट लगे रहते हैं एडेनियम में, तो सीड्स अपने आप गिर गए थे इस गमले में। इसी का मदर प्लांट इसके पास में बीच में, तो इसमें से सीड्स निकल के इसमें नीचे गिर गए थे, तो ये प्लांट ग्रो हो गए। तो अब ज़्यादा दिन तक तो इसमें रह नहीं पाते क्योंकि लिमिटेड ग्रोथ ही हो पाती है एक साथ सभी प्लांट लगे हों जहाँ, तो इनको सेपरेट करना भी ज़रूरी है। तो कुछ सीडलिंग बहुत बड़ी भी हो गई हैं, कुछ जो छोटी छोटी हैं इनको मैं पॉली बैग में कर दूंगा, और जो बड़ी है उसे थोड़े से बड़े पॉट में कर दूंगा। तो इसमें जो मैंने पॉटिंग मिक्स यूज़ करी थी 50% कोकोपीट, 20% नॉर्मल काउडंग और 30% सैंड, तो इस पॉट का मिक्सचर है। और यही मिक्सचर मैं यूज़ कर सकता हूँ सीडलिंग में, पर मैं सीडलिंग में थोड़ा सॉफ्ट मीडिया और यूज़ करूँगा। मैं सिंपल कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर में इनको लगाऊंगा। आप इनमें परलाइट भी मिला सकते हैं, परलाइट मिलाने से या सैंड मिलाने से थोड़ा बहुत ड्रेनेज का सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो ये रही सीडलिंग्स, इनको लगाते हैं। ये जो आप टब देख रहे हैं इसमें ही मैं इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करूंगा, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर। तो पहले देख लेते हैं कितनी सीडलिंग्स हो गई हैं, 1, 2, ये बड़ी बड़ी सीडलिंग्स हैं, 2 तो ये हो गए, और देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस 13 ही सीडलिंग्स हैं। और जो छोटी हैं इनके छोटे पॉली बैग में लगा दूंगा, और जो बड़ी है इसको एक बड़े से थोड़े से पॉट में लगा दूंगा 5 से 6 इंच वाले में। तो इनकी पॉटिंग मिक्स अब तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो कोकोपीट ले रहा हूँ, इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड है। ये कम से कम 80% कोकोपीट और 20% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर सबसे बेस्ट रहता है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का। अगर आपके पास परलाइट है तो परलाइट ऐड कर सकते हैं। तो आप 60% कोकोपीट, 20% परलाइट और 20% काउडंग या वर्मी कंपोस्ट ये ले सकते हैं। तो ये मिक्सचर भी बहुत बेस्ट रहता है, और मेरी कोकोपीट ही अच्छी है। 2-3 तरीके की कोकोपीट आती हैं, कुछ होती हैं लो क्वालिटी की और कुछ हाई क्वालिटी की। तो जब भी लें आप देख के लें, और कोकोपीट अच्छे से अच्छी लेने की कोशिश करें। तो ये पॉली बैग जो है मैंने अमेज़ॉन से लिया था, अगर आपको भी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी लिंक्स। जो जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ करें सबकी लिंक्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो इसमें मैं होल बना लूँ क्योंकि पानी जो होता है एक्स्ट्रा इसमें ना रुके, जिससे मेरी सीडलिंग, अगर पानी रुका तो सीडलिंग गल सकती हैं। इसलिए मैं इन पैकेट्स में होल भी बना लूँगा, और जिससे ड्रेनेज इनका सही रहेगा। तो अब मैं सीडलिंग लगा देता हूँ, और आज मैं इनको पानी नहीं दूंगा क्योंकि इनमें नमी है कोकोपीट में। कल सुबह जब मैं सभी प्लांट्स में पानी दूंगा तो इनमें भी मैं स्प्रे कर दूंगा पानी। और कोकोपीट में मॉइस्चर बहुत अच्छे से रहता है, इसलिए आप कोकोपीट में जब भी कोई प्लांट लगाएं तो चेक करते रहें कि पानी की कमी जब हो उसमें तभी आप पानी दें। अगर आप ज़्यादा पानी रखेंगे उसमें तो थोड़ा सा प्लांट ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। एडेनियम खासकर जल्दी ख़राब हो सकता है क्योंकि इसमें कॉर्डेक्स में पानी होता है इतना, अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। पर अगर एडेनियम आप लगाते हैं तो कोकोपीट सबसे बेस्ट रहता है ग्रोथ के लिए, सीडलिंग के लिए। पर बड़े प्लांट आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंड में मिक्स करके लगाएं क्योंकि बड़े प्लांट को कोकोपीट ज़्यादा पसंद नहीं होती। बड़े प्लांट को अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो बहुत जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए बड़े प्लांट में सैंड का परसेंटेज ज़्यादा रखें, बालू जिसे कहते हैं। कोकोपीट आपके प्लांट को ख़राब कर सकता है। तो ऐसे मैं सभी सीडलिंग्स लगा दूंगा, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने सारी सीडलिंग्स लगाई हैं। ये रही सीडलिंग्स बाकी की जो मैंने पहले से लगा दी थी, तो ऐसे ही सारी सीडलिंग्स मैं लगा दूंगा और इनको कल सुबह पानी दूंगा, और ये बड़ी वाली सीडलिंग मैं बड़े से पॉट में शिफ्ट करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मैंने ये वीडियो ऐसे ही सुबह रिपोर्टिंग के टाइम पे बना दी जिससे आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और अपने कमेंट करके बताइएगा आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो किसी भी प्लांट से रिलेटेड, आप कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।